अगर बात करिए गुजरात ना अनेक गुनानो आरोपी अने कुख्यात स्मगलर वीके गोस्वामी की धरपकड़ करवामां आवी छे। वीके गोस्वामी ने अमेरिका की ड्रग्स एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम केन्या में दबोची लीधो छे। हाल में तेनी हेरोइन स्मगलिंग करवाना केस में धरपकड़ कराई छे। वीके केन्या में गोल्फ रमी रह्यो हतो जे समय तेमने झड़पी लेवामां आव्यो। तेमनी साथे अन्य त्रण लोकोनी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। त्यारबाद तेमने अमेरिका लई जवामां आव्यो छे। महत्वनुं छे वीकी गोस्वामी अमदावादना 270 करोड़ रूपयाना ड्रग्स केस में वोन्टेड छे, जेथी गुजरात एटीएसनी टीम वीकीनी ट्रांसफर वोरंटना आधारे धरपकड़ करवानी कोशिश करशे। महत्वनुं छे वीकी गोस्वामी जे अमदावादना 270 करोड़ ड्रग्स कौभाडमां वोन्टेड हतो અને હવે તેમની કેન્યાથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કેન્યાથી તેમને અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યો છે। અમેરિકામાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવશે। તો આ તરફ ગુજરાત એટીએસ તેમને શોધી રહી હતી, જે વોન્ટેડ હતું અને જેના કારણે ટ્રાન્સફર વોરંટથી તેમને અમદાવાદ પણ લાવવામાં આવી શકે છે। ઉલ્લેખનીય છે વર્ષ 2014માં યુએસની ડ્રગ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને કેન્યા પોલીસ દ્વારા संयुक्त रीते एक स्टिंग ऑपरेशन कर एक खुलासो थयो हतो कि विकी गोस्वामी अमेरिका में व्हाइट क्रिस्टल नामनो हेरोइन सप्लाई करी रह्यो छे, जेना आधारे तेमनी धरपकड़ करवामां आवी। बाद में कोर्ट में तेमने शरती जामीन आपवामां आव्या कि ज्यां सुधी तेमनो केस चालू रहेशे त्यां सुधी ते देश नहीं छोड़ी शके। एक तरफ केन्या कोर्ट में तेमनो केस चाली रह्यो हतो, बीजी तरफ गुप्त रीते यूएस एजेंसी द्वारा कोर्ट थी तेमनी धरपकड़ माटे वोरंट मेळवी लीधो हतो। गत रविवारे विकी गोल्फ रमी रह्यो हतो, जे दरमियान केन्या पोलीस अने यूएस एजेंसीना अधिकारीओए तेमनी धरपकड़ करी लीधी हती। विकी गोस्वामी साथे तेमना अन्य त्रण सागरितोनी पण धरपकड़ करवामां आवी छे, जेमां एक मूळ पाकिस्तानो आरोपी छे। विकी गोस्वामी छेल्ला घणा समयथी केन्यामां हतो।